आधार कार्ड अब जरूरी दस्तावेजों में से एक बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर कई बैंकिंग कार्यों में अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे में अगर आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो सतर्कता बरतें, क्योंकि यहां लोगों से अधिक रुपए वसूल कर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम किया जा रहा है। आधार कार्ड आजकल के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। भारत में किसी भी वित्तीय या सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, जिसको लेकर लोग अपने आधार कार्ड को बनवाने और अपडेट कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में भी लगे रहते हैं। लेकिन शायद उन मासूम लोगों को नहीं पता होता है कि उनसे आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल ताजा मामला बबीना से सामने आया है, जहां दूर संचार विभाग के कार्यालय में आधार कार्ड बनवाने का काम संचालित किया जा रहा है। और देखने वाली बात तो यह है कि यहां लड़कियों को मोहरा बनाकर अवैध वसूली का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हमारे बबीना के संवाददाता प्रदीप यादव ने अपने छुपे हुए कैमरे में कैद की। आपको बता दें कि यहाँ कई बार इसकी शिकायत भी थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वहां मौजूद लड़की से आधार कार्ड बनवाने की बात की गई तो उसने कहा कि पहले 10 रुपए का फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आगे 200 रुपए की और मांग की गई। जब उस लड़की से पूछा गया कि यह 200 रुपए किस लिए, तो पहले तो उसने सुनकर अनसुना कर दिया। काफी देर बाद सुनने के बाद उसने अपने मालिक का नाम बताया और फोन पर बात करने को कहा, जिस पर जब हमारे संवाददाता ने उक्त मालिक धनीराम झा से बात की तो उसने कहा कि 200 रुपए में आपको आधार कार्ड के साथ एक सिम भी मिलेगी। साथ ही जब उसको अपनी पहचान बताई तो धनीराम झा खुद को गुंडा माफिया बताने लगा और साथ ही धमकी भी देने लगा। बताया जाता है कि यह कार्यालय में बैठी लड़की धनीराम झा की ही रिश्तेदार है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह सरकारी काम के एवज में अवैध कार्य करके मोटी रकम कमाने के पीछे किसका हाथ है, जहां पर शासन भी मौन बैठा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर रोज यहाँ 100 आधार कार्ड बनते हैं और सभी से 200 रुपए वसूले जाते हैं तो लगभग रोज हजारों रुपए की कमाई यहाँ गरीबों से की जाती है, और यहीं से गरीबों की जेब काटकर यह पैसा अधिकारियों की जेबों में पहुंचा दिया जाता है। अगर यह अवैध कार्य रोका नहीं गया तो जिला प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। नए में कितने पैसे लगेंगे? कितने? 200 रुपए। किस बात के 200 रुपए? किस बात के लगेंगे? कौन है आपका ये मालिक, कौन है तुम्हारा भी? मैडम हमें वो करना, अपडेट करवाना है, उसके क्या लगेगा? इसके 10 रुपए लोगे, फिर आधार कार्ड के 200 रुपए लोगे, फीस कितनी है ओरिजिनल? मैडम फीस कितनी है आधार कार्ड की? बात करा दिया। हाँ बात करा दो। ये आईडी कहाँ की है? झांसी से चल रही है? आपने कितने पैसे दिए दादा? आगे नहीं था। कितने मांगे? अगर कुछ भी तो मांगो नहीं जाएगा तो जो मसीन नहीं लगाएगी। 150 रुपया? 150 आपसे? वो तो 150 रुपया है, फार्म से लगाया। 150 रुपये? हाँ मैं 150 में तुम्हारा नंबर अपडेट कराओ, कुछ भी कराओ, 150 लग रहा है। बबीना से प्रदीप यादव के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट।